हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल एकेडमी। देखिए, आप सबको मैं वेलकम करती हूँ एंड दिस इज शिवानी हियर। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमने मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, मेन ग्रुप का हमने ऑलरेडी दो क्लासेस ख़त्म कर लिए हैं, जहाँ पे मैंने आपको ग्रुप वन एलिमेंट का सारे प्रॉपर्टीज़ बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उनका कॉन्फ्यूगरेशन कैसे कैसे होता है, उनका कलर कैसा होता है एंड वेरियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं क्या, ग्रुप टू मेटल का प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए मेरे साथ एंड जो भी आपको डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स से पूछना मत भूलिएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ा था उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, एंड अब जो हम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, अल्कली मेटल्स। ठीक है, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे पास इसका नाम क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका जो मतलब ये एस ग्रुप का एलिमेंट्स है, हम अभी इस ग्रुप ही पढ़ रहे हैं ना। एस ग्रुप में सॉरी एस ब्लॉक में टू ग्रुप्स इन्वॉल्व है। एस ब्लॉक हमारे पास चार ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। तो मतलब ऑर्बिटल ऑर्बिटल के ऊपर बेस करके चार तरह का ग्रुप्स होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, है ना। तो अब हम पढ़ने मतलब पढ़ रहे हैं क्या, एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक इसको बोलते हैं मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जिसका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है उसको, उस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में टू ग्रुप्स इन्वॉल्व है, ग्रुप वन एलिमेंट एंड ग्रुप टू एलिमेंट। ग्रुप वन हमने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ग्रुप टू को। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए यहाँ पे ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द ग्रुप टू। द एलिमेंट्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप टू एंड देयर एटॉमिक नंबर आर फोर। बेरिलियम का फोर होता है, मतलब देखिए मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री मतलब पढ़ने के लिए आपको मिनिमम पीरियडिक टेबल में 40 या 50 तक एलिमेंट को याद रखना होगा। ठीक है, 40 एलिमेंट को भी आप याद रख सकते हैं, इतना भी मतलब काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं क्या, देखिए यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है। बेरिलियम का होता है बेरिलियम का होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का होता है 20, स्ट्रोंशियम का होता है 38, बेरियम का होता है 56, रेडियम का होता है 88। रेडियम की प्रॉपर्टीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पांचों को हम ज़्यादा मेजोरिटी पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा मेजोरिटी देंगे, मतलब ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाएगा इन पांचों को। ठीक है, तो देखिए इनका अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2। मैग्नीशियम का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्टली एस ब्लॉक एस ऑर्बिटल में ही जा रहा है ना, 2 3s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। ठीक है, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन को हम और भी ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट सेम आज सेम होता है क्या, किसके किन के तरह, ग्रुप वन एलिमेंट की तरह। ठीक है, ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, वो भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप वन ग्रुप टू ऑल आर एस ब्लॉक एलिमेंट ना। तो उनका मतलब ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, नहीं तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो इनका फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूँ, दीज आर ऑल्सो सिल्वरी व्हाइट मेटल्स, ग्रुप वन एलिमेंट्स आर ऑल्सो सिल्वरी व्हाइट मेटल्स। इसका आगे जाकर हम एक छोटा सा कंपैरिजन ले लेंगे, जहाँ पे मैं आपको ग्रुप वन एज वेल एज ग्रुप टू साथ में कंबाइन करके बता दूंगी उनका एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है एंड सिमिलैरिटीज उनके बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ लीजिए तो उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, दीज आर द सिल्वरी व्हाइट मेटल्स एंड दे हैव ग्रेइश व्हाइट लस्टर व्हेन फ्रेशली कट, बट
टारने सुन आफ्टर देयर एक्सपोजर इन एयर ड्यू टू द सर्फिस ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, राइट। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, जो हमारा फर्स्ट क्लास था, कि एज जो दीज अल्कली एंड अल्कली अर्थ मेटल, क्यों क्योंकि उनके वैलेंसी में सिर्फ वन वन सेकेंड गाइस, क्योंकि उनके वैलेंसी में सिर्फ वन एंड टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके वैलेंसी में इस ग्रुप वन के एलिमेंट के वैलेंसी सेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ग्रुप के ग्रुप टू का वैलेंसी सेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। तो उनका, जैसे कि आप सबको पता होगा कि सारे जो एलिमेंट होते हैं हमारे पीरियडिक ग्रुप में, वो हमेशा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फिगुरेशन को लेना चाहते हैं, हमेशा नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन को अक्वायर करना चाहते हैं। बट हियर नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन से एक या दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। देखिए, जैसे कि हम ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ बेरियम का, ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया हमारा एक नोबल गैस, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन होता है कितना, टू, मतलब वन एस टू। ठीक है, बट यहाँ पे इन द केस ऑफ बेरियम देर आर टू इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रेजेंट दैन द नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन। सो वो क्या करेगा, हमेशा नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन को अक्वायर करने के लिए वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी को भी। जैसे कि हमारे पास होता था एस ब्लॉक का जो ग्रुप वन एलिमेंट हमने देखा था, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एक तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एक तो साइज बड़ा होता है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब हम पीरियड में मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिथियम टू फ्लोरीन तक मैं जाऊँगी एक पीरियड में, हम अगर लिथियम से फ्लोरीन तक मूव करेंगे तो हमारा साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करता है ना। ग्रेजुअली जो होता है साइज़ बहुत डिक्रीज़ कर करके जाता है। सेम ऑल्सो रिपीटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सेवन ग्रुप्स, ठीक है, सॉरी सेवन पीरियड्स। ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट से राइट में, राइट तक पीरियड में मूव करते हैं, हमारा साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको यहाँ पे पता चल रहा होगा क्या, एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत सबसे ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं इन द पीरियडिक इन इन द पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो पीरियडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर साइज बड़ा हुआ तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा दूर रहेंगे। जितना हमारा साइज छोटा होगा, मतलब जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जेड इफेक्टिव होगा, ठीक है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा एलिमेंट हमारा उतना छोटा होगा। जितना हमारा न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा, उतना आपका साइज आटम का बड़ा होने का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक में क्या हो रहा है कि दिस आटम्स आर रियली रियली बिग, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियर जो इफेक्टिव चार्ज होता है वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए वो क्या करते हैं, इजीली रिमूव हो सकते हैं। एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू अक्वायर द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, सो दे वॉन्ट टू डोनेट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दे कैन अक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए मेटल्स जो एस ब्लॉक मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिंग होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं क्या, वो लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जब वो मेटल्स, इसीलिए हमने क्या बोला कि इसीलिए मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव, समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से, मेटल्स इसीलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट प्रेजेंट इन द एयर, दे उनके बीच में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उनका जो सिल्वरी लस्टर होता है आफ्टर द कट, व्हेन वी कट द मेटल पीस, इनिशियली दे गिव वाइट लस्टर, बट आफ्टर सम टाइम ड्यू द सरफेस ऑक्सीडेशन दे टार्निश सून। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, होप कि आपको समझ में आया होगा।
ओके अगर मैं एटॉमिक आयनिक रेडी के बारे में बात करूं, यहाँ पे भी होता है क्या, जैसे कि हमने आप सबको पता होगा जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तब हमारा साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मेटल रेडी भी इंक्रीज होगा। रेडी आयोनिक वो रेडी मतलब रेडी देखिए आपके पास चार या चार तरह का होता है। फर्स्ट इज योर एटॉमिक रेडी, मतलब एक एटम में जितना एटम में पर्टिकुलर एक एटम में न्यूक्लियस से लेकर वैलेंस सेल तक जितना डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडी, ठीक है। एंड उसके बाद होता है क्या आयोनिक रेडी। आयोनिक रेडी मतलब क्या, एक आफ्टर द आयन फॉर्मेशन, जैसे कि एक पर्टिकुलर आयन एक फॉर्म होने के बाद, जैसे कि हम मान सकते हैं कि सोडियम, मान लीजिए सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम एक एटम था बट सोडियम दिस बियरिंग दिस इज बियर दिस बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट सो दिस इज ए आयन, ठीक है। एक पर्टिकुलर आयन में न्यूक्लियस से वैलेंस से इलेक्ट्रॉन तक जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आयोनिक रेडी। पर्टिकुलर आयन में एटॉमिक रेडी एंड आयोनिक रेडी में इतना ही फर्क होता है सिर्फ, क्या एटम में एटम प्रेजेंट होता है बट आयन में आयन प्रेजेंट होता है, बट ओवरऑल द डेफिनेशन ऑफ द रेडियस विल भी क्या होगा, द ओवरऑल डेफिनेशन विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद होता है क्या, मेटेलिक रेडी होता है, आयोनिक रेडी होता है, कोवेलेंट रेडी होता है, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि मेटल के एक दूसरे को शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं एक कोवेलेंट रेडियस। ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जहाँ पे शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अगर शेयरिंग आफ्टर द शेयरिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से लेकर इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिससे आपको सबको पता होगा कि एक पर्टिकुलर पीरियडिक टेबल में सॉरी एक पीरियडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे तक मूव करते हैं हमारा साइज धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा सीजियम का साइज बड़ा था लिथियम से, ठीक है। यहाँ पे भी क्या रेडियम का और बेरियम का साइज जो है बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू बेरिलियम आटम, ठीक है। तो इसीलिए अगर साइज आपका बड़ा होगा ग्रेजुअली आर साइज इंक्रीजेस द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम बेरियम बेरिलियम टू रेडियम ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा एनर्जी सेल एट ईच स्टेप। ईच स्टेप में ईच पर्टिकुलर पीरियड में क्या होता है कि वैलेंस सेल एटम के अराउंड आड़ होता रहता है, तो इसीलिए साइज जब बड़ा होता रहता है, अगर साइज आपका बड़ा होगा तो ऑब्वियसली रेडियस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। डेंसिटी अगर मैं बात करूँ तो दीज मेटल्स आर डेंसर देन द अल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बोला था जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी वाला होता है, एंड जो सोडियम का डेंसिटी होता है एक पर्टिकुलर सोडियम जो मेटल का वो मेटल पीसेस का वो कभी कभी वाटर का मॉलिक्यूल के हिसाब बराबर होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल का डेंसिटी भी अल्कली मेटल पीसेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बट वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो मेटल है जो मेटल का पर्टिकुलर जो पीस प्रेजेंट है मेटल पीस मान लीजिए कि एक स्क्वायर शेप का प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या और एक्चुअली वन इलेक्ट्रॉन ही मेटलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो साइज बड़ा है एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरी मच डिफ्यूज्ड एट एवरीवेयर, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेंसिटी जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दो दो इन्वॉल्व होते हैं एंड द साइज ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर लिटल लेस देन द साइज ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है बट अल्कली अर्थ मेटल का जो साइज है वो थोड़ा सा कम होता है देन द अल्कली मेटल्स, ठीक है।
तो इसीलिए क्या होता है कि डेंसिटी ग्रेजुअली आर डेंसर, दीज ग्रुप टू एलिमेंट्स आर डेंसर, समवॉट डेंसर देन द अल्कली मेटल्स, ठीक है. दीज मेटल्स आर डेंसर देन द अल्कली मेटल्स इन द सेम पीरियड बिकॉज दीज कैन बी पैक्ड मोर टाइटली ड्यू टू देयर ग्रेट न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज. स्मॉल साइज मतलब क्या, स्मॉल साइज देन द ग्रुप वन मेटल्स, ठीक है. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ग्रुप वन मेटल्स के साथ, ठीक है. एंड डेंसिटी डिक्रीजेस स्लाइटली अप टू कैल्शियम एंड एंड देन डिक्रीजेस कंसिडरेबली अप टू रेडियम. आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा कि ग्रुप टू एलिमेंट्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डेंसर होते हैं देन द ग्रुप वन एलिमेंट, ठीक है. आपको अभी पर्टिकुलरली याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा एलिमेंट किससे ज़्यादा डेंसर है. सिर्फ आपको इतना याद रखना होगा कि ग्रुप टू एलिमेंट जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डेंसर होते हैं देन द ग्रुप वन एलिमेंट. अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, वहाँ पे जो मेल्टिंग ग्रुप वन एलिमेंट के केस में क्या होता था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता था. बट अगर मैं इसको ग्रुप वन को कंपेयर करूँ ग्रुप टू के साथ, तो ग्रुप टू का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा देन द ग्रुप वन एलिमेंट. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड दस स्ट्रांगली बॉन्डेड इन द सॉलिड स्टेट. जब वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है वो टू इलेक्ट्रॉन्स के टू वहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं इन द मेटेलिक बॉन्डिंग. टू इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज एवरीवेयर पर एटम, पर एटम टू इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा ना मेटल, तो इसीलिए मेटेलिक सॉलिड जो प्रेजेंट होता है वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा डेंसर होता है. उसके साथ साथ वो क्या होता है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हायर होता है. क्योंकि क्यों क्योंकि द टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल प्रेजेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटेलिक बॉन्डिंग एंड थस मतलब कंपेयर टू वन इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग इन केस ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट सिर्फ क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होता था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है. तो इसीलिए मतलब देखिए, आप एक मान लीजिए कि आप एक ही हैं, वन पर्सन बहुत बड़ा काम को संभाल रहा है, बट वहाँ पे अगर दो लोग उसको शेयर करके वो काम को करेंगे तो वो वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा ना. तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए मेटल बॉन्डिंग यहाँ पे थोड़ा स्ट्रांगर होता है, ठीक है. तो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल एंड थस स्ट्रांगली बॉन्डेड इन द सॉलिड स्टेट. हाउ एवर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डोंट शो ए रेगुलर ट्रेंड बिकॉज द एटम्स अडॉप्ट डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. जिससे कि आप सबको पता होगा ग्रुप वन एलिमेंट में कुछ कुछ टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होते थे वो बीसीसी क्रिस्टल बना रहे थे, कोई एफसीसी बना रहा था, कोई उजाइट स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि जो पर्टिकुलर सॉलिड मेटल का जो सॉलिड होता है, जो एक्चुअल मेटल मेटल पीस होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करके रहता है. तो इसीलिए बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा वैरी करता है, ठीक है. एक रेगुलर ट्रेंड नहीं होता उनके बीच में. अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर की बात करूं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस मेटल्स डिक्रीज फ्रॉम बेरियम टू बेरिलियम टू बेरियम. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जब हम फर्स्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना होगा टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन. बट दो इलेक्ट्रॉन को हम तो एक ही साथ नहीं निकाल सकते, हमें वन बाय वन निकालना होगा. तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करके मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर लाएंगे, तो तब हम बोलेंगे उसको क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. एंड देन द एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी नीडेड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसीलिए बट बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दीज मेटल्स विल बी डिक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम, ठीक है. एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन ईच केस इज हायर देन द फर्स्ट. देखिए जब यहाँ क्यों हो रहा है ऐसा, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्यों थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अच्छे से समझिएगा क्यों. क्योंकि फर्स्ट जो जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला था, तब एक तो इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा था, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, मतलब वहाँ पे जैसे कि मैं अगर बात करूँ बेरियम का, बेरिलियम का, ठीक है, बेरिलियम का अगर बात करूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि 1s2 2s2,
मतलब वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 4 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमने बोला कि साइज थोड़ा बड़ा होता है, एंड उसके साथ साथ जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर लिटिल लेस, ठीक है, इसलिए हम इजीली वैलेंस सेल का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा तो एनर्जी इंक्रीज देना, मतलब देना ही पड़ेगा ना, ऐसे रूम टेम्परेचर पे वो तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है एट द मेटल एटम, तो इसीलिए हम अगर थोड़ा एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। बट ऑन ऑन मूविंग टर्ड्स द सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूवल, वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में क्या प्रेजेंट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बट 4 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड 4 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा इंक्रीज कर गया, तो इसीलिए क्या होता है कि हमें थोड़ा डिफिकल्टी आता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसीलिए हमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है टू ओवरकम द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए क्या होता है कि सेकेंड जनरेशन एनर्जी इन ईच केस विल बी हायर देन द फर्स्ट। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देख लीजिए ट्रेंड्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीज, ये क्यों हो रहा है, होप कि आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस मतलब साइज इंक्रीज हुआ, जिससे जिससे हमारा साइज इंक्रीज होगा हमें उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस विल बी मच मच ग्रेटर देन द प्रीवियस, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि सबसे बड़ा एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो इसीलिए ऑल्सो द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 इन देयर कंपाउंड एंड द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज नियरली डबल देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जितना होता है उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एनर्जी फॉर द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। दिस शुड कॉज द एलिमेंट टू एग्जिबिट ए स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म द कंपाउंड लाइक बेरियम क्लोराइड, स्ट्रोंसियम क्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड इटीसी इंस्टेड ऑफ BaCl2 CA स्ट्रोंसियम ब्रोमाइड एंड कैल्शियम आयोडाइड, ठीक है। समझिए इसको थोड़ा, यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होना चाहिए था कि वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह जाए, दूसरा इलेक्ट्रॉन को डोनेट ना करे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन को अटेंड करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आफ्टर द डोनेशन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म, इट कैन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, बट बिफोर रिमूविंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इट कांट फॉर्म एनी बॉन्ड, एनी स्टेबल बॉन्ड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड एक्चुअली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड एक्चुअली होता है क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं और जो आयन्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे उनके बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉज उनके बीच में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके बात करें तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा कंपाउंड नहीं बनेगा, तो इसीलिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इट विल इट यूजुअली डोनेट 1 यूजुअली डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर दीज कंपाउंड्स। ठीक है, एमंग द अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम हैज़ द हाइएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा पास होता है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। थस बेरियम हैज़ द मिनिमम टेंडेंसी टू फॉर्म Be2+ आयन एंड हेंस ए नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ बेरियम आर कोवेलेंट इन नेचर।
देखिए बेरियम जो होता है, एंड एक बात मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि आप लोग सोचते हैं कि आयोनिक कंपाउंड जो है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कैरेक्टर होगा, एंड जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होगा, लेकिन ऐसा 100% का नहीं होता कुछ भी। जैसे कि ऑल ह्यूमन्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दिस सो दे हैव डिफरेंट विशेस, मतलब ईच एंड एवरी पर्सन इज डिफरेंट, वैसे ही हर एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, हर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। एंड बेरियम जो होता है उसका मिनिमम टेंडेंसी होता है टू फॉर्म द बेरियम 2+ आयन। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई कभी कभी वो क्या करता है कि आयनिक कंपाउंड को ना बनाकर, एज इट इज हार्ड हियर टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फॉर बेरियम, इट विल प्रिफर टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर का आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि हाइड्रेशन कैसा होता है एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ठीक है। द मेटल 2+ आयन ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन्स। जैसे कि आप सबको पता होगा यहाँ पे मेटल का ऊपर 2+ चार्ज होता है, मतलब ये कितना ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को वो और ज्यादा इजीली अपने पास खींचेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि ड्यूरिंग द हाइड्रेशन ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, उसको हम बोलते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी, एंड वो स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ द आयन इंक्रीजेस फ्रॉम बेरियम टू बेनियम, एंड द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन्स आर हायर देन दोज ऑफ द अल्कली अर्थ मेटल्स, सॉरी अल्कली मेटल आयन्स, एंड थस द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड फॉर देन द अल्कली मेटल्स, एंड द मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज MgCl2 6H2O, CaCl2 6H2O रेस्पेक्टिवली, वेल सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड डज सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज NaCl एंड KCl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होते हैं एंड वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन और ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ द मेटल आयन, देयर द एनर्जी रिलीज ड्यू द स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एंड द आयनिक मोबिलिटीज ऑफ द और द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ दीज आयन्स इंक्रीज फ्रॉम, आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है। फ्लेम कलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इतना याद रखिएगा इन सबको, कैल्शियम जो होता है वो ब्लीक रेड कलर का होता है, स्ट्रोंशियम होता है क्रिम्सन का, बेरियम होता है ग्रीन का, एंड रेडियम होता है क्रिम्सन का, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर की अगर मैं बात करूँ तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वेरी वेरी रिड्यूसिंग इन नेचर, एंड बिकॉज दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो एक दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड खुद खुद का ऑक्सीडेशन होता है, बट दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो उनका रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी उनको बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एंड द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस आर द एटॉमिक नंबर एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इन द लिंक विद द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स इंक्रीज फ्रॉम द बेरियम टू बेरियम, हेंस द स्ट्रेंथ एज यंग हेंस द स्ट्रेंथ इज एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ द कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो ये होता है क्या, डायमैग्नेटिक, ठीक है। दीज आर डायमैग्नेटिक इन नेचर, मतलब उनके बीच में कोई भी अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं, हाइड्रेशन शो करते हैं, और भी बहुत सारे रिएक्शन शो करते हैं, आगे जाकर हम डिटेल पढ़ेंगे। ऑक्सीजन ऑफ वाटर, वाटर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ वाटर्स द कैल्शियम सोडियम बेरियम एंड रेडियम डिकम्पोज द कोल्ड वाटर रेडियली विद द इवोल्यूशन ऑफ माई सॉरी द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो कैल्शियम सोडियम बेरियम एंड रेडियम होते हैं वो क्या करते हैं कि कोल्ड वाटर में जल्दी इवोल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी उनका इवोल्यूशन हो जाता है टू 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 द हाइड्रोजन। तो एम प्लस टू एच टू होगा क्या, एम ओ एच टू होल टू प्लस एच टू। ऑक्सीजन ऑफ एटमोसफेयर क्या होता है कि दे फॉर्म ऑक्साइड एंड द इफेक्ट ऑफ एटमोसफेयर इंक्रीजेस एज द टाइम एज द एटोमिक थंडर सॉरी एज द एटोमिक नंबर इंक्रीजेस द बेरियम इन द पाउडर फ्रॉम ब्रस्ट इन टू फ्लेम ऑन द एक्सपोजर टू द एयर। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर हम उसको थोड़ा सा भी एयर का कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है कि बर्स्ट दे विल बर्स्ट इन टू फ्लेम होगा। ठीक है, एंड द एक्शन ऑफ एसिड की अगर मैं बात करूँ तो ऑल द अल्कली मेटल्स एंड द अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रीली रिएक्ट विद एसिड एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल कॉम्बाइंस विद द हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंटली टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप MH2 एंड 22 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है क्या, यहाँ पे मेटल का एक्चुअली काम क्या है, उसको रिड्यूस करना एक पर्टिकुलर कंपाउंड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि द थ्री सेंट्रल, यहाँ पे जो हो रहा है ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन और ये, एंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने के लिए मैंने दे दिया था नोट में। अगर आप चाहें मैं आपको जो प्रोवाइड नोट करूँगी नोट प्रोवाइड करूँगी तो आप प्लीज़ उसको खुद से मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको भेज दूँगी, उसको आपको सिर्फ पढ़ना होगा। ठीक है, सॉरी गाइज, सिर्फ मैंने आपको ग्रुप में से शेयर कर दूँगी, आपको उसको अच्छे से पढ़ना होगा एंड दोस्तों से शेयर करना होगा। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं कि रिएक्शन तो ऑक्सीजन क्या होगा, बेरियम क्या करेगा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा या फिर पेरोक्साइड फॉर्म करेगा। तो ऑक्साइड्स जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, बट इनऑर्गेनिक जो, जब मैं बात करती हूँ कि मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा थोड़ा अल्कालाइन इन नेचर होते हैं। ठीक है, विद द हैलोजन क्या होता है, द अल्कली अर्थ मेटल कंबाइन विद द हैलोजन्स एंड द पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी हियर एम प्लस एक्स टू, वहाँ पे क्या होगा एम एक्स टू। ठीक है, द बेरियम बेरिलियम हैलाइड आर कोवेलेंट इन नेचर्स एंड दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड द हाई चार्ज ऑफ बेरिलियम टू प्लस आयन एंड दैट इज इट हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर एंड द ग्लासी फॉर्म ऑफ हैलाइड इज ड्यू टू द चेन X2B X2B। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम इतना पढ़ते हैं, आगे जाकर हमारा ये चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे एंड थोड़ा उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो टेक केयर गाइज, होप कि आपने ये सेशन को एंजॉय किया। अगर मैं कहीं पे गलत बोला तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसी को कीजिए। एंड अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा मोटिवेशनल लग रहा है तो अपने दोस्तों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।